बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की, हैदराबाद में भी दो लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका घरे मेरे सपने
मेरी इज्जत, मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे बाबा हर बैठ कर रो रहे, मेरे बाबा जब से मुझे इस हालत में देखा है पत्थर बन चुके हैं वो। अब वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी लाडली बेटी की अस्मत तार तार कर दी उन दरिंदों ने। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरे बाप? हमारा कोई कसूर नहीं है बेटे। ये तो आप कह रहे हैं बाबू, लेकिन आपके इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरी इस हालत के हैं, मुझे ही जिम्मेदार ठहरा। तुम क्यों चंद लोगों की बातें सुनकर दुखी हो रही हो? अगर भाई कहने से या कोई मंत्र पढ़ने से बलात्कार जैसे अपराध रुक सकते तो कब का इस समस्या का समाधान हो चुका होगा? और स्त्रियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि पुरुष उन्हें कैसी नजर से देख रहे हैं। लेकिन लोग तो यही सोच रहे हैं ना बाबा, जितना दर्द मुझे इन राक्षसों ने दिया है उतना ही दर्द मुझे ये लोग दे रहे हैं। मुझे सहानुभूति दिखाने के बजाय, ये सोचने के बजाय कि ऐसा कुछ करें कि आगे किसी भी निर्भला के साथ ऐसा ना हो, ये लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे। उन्हें माफ कर दो बेटी, उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों की बात तुम कर रही हो वो संख्या में दो चार ही है, बाकी सारा देश तुम्हारे साथ। कोई भी नहीं समझ सकता कि उस रात मुझ पर क्या बीती थी। इस देश में द्रौपदी के जी हरण से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक तो पर अन्याय का इतिहास बहुत पुराना है। कभी मर्यादा के नाम पर, कभी परंपरा, तो कभी मैं स्त्री धर्म के नाम पर हमने बहुत जख्म झेले। मगर उस रात मेरे शरीर पर जो जुल्म हुआ वो इंसानियत के इतिहास में किसी भी औरत के साथ नहीं हुआ। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। तुम बेकार नहीं परेशान हो रही हो, ये भी तो सोचो
शायद हमारा बेटा है। और अगर बेटा होता है किसी लड़की के साथ उसने ये किया तो? सात बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाएंगे आप। मगर दादाजी मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। कुछ भी हो मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानता। चल जाओ अपने कमरे में जाओ। वाह ये अच्छा है कि हम लड़कियां ही घुट घुट के मरे, और वैसे भी हम लड़कियां ही घुट घुट के मरते हैं। दिस इज डिस्गस्टिंग। इससे अच्छा अपने बेटों को घर से बाहर निकलना बंद भी नहीं कर देते। जब बाहर कोई मर्द ही नहीं होगा तो हमें किससे खतरा होगा? अब बकरी को पिंजरे में